साथियों नमस्कार, मैं पंकज कुमार आई न्यूज़ के मंच पर स्वागत करता हूं। दरअसल इस समय बड़ी तेज़ी से 2000 के नोट पर चर्चा हो रही है। दरअसल ये सर्जिकल स्ट्राइक टू है, यानी नोटबंदी की, क्योंकि जब भी मोदी जी कोई इतना बड़ा काम करते हैं तो उसको सर्जिकल के नाम से जाना जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक वन हुई थी 2016 में, उस समय भारत से पूरी तरीके से मोदी जी 56 इंच का सीना लेकर दौड़ रहे थे और कह रहे थे भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे। तो भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, इस पर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 2000 का नोट अगर किसी के पास है तो उसको वो चेंज करा सकता है। अभी 30 सितंबर तक उसके लिए टाइम दिया गया है, RBI ने बोला है। और दूसरी क्या बात है, बड़ी अहम बात है और बड़ी तीखी प्रतिक्रिया है। तो दरअसल तीखी प्रतिक्रिया देने वाले कोई और नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए और डिमोनेटाइजेशन यानी 2000 के नोट की बंदी पर क्या कहा है ट्वीट करके, आइए उसको जानते। तो स्क्रीन पे आप देखिए, पहले बोले थे 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि पीएम को पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ नहीं आता है, भुगतना जनता को पड़ता है। तो कहाँ तक इस प्रतिक्रिया का आप मोदी के एंगल से जोड़ के देखेंगे, सही है या गलत, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि उदी मीडिया से बिल्कुल हटकर हम आपके बीच आते रहेंगे। गोदी मीडिया जो दिखा रहा है उससे बिल्कुल हटकर, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।